सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं रूप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहा है कि भाई वीडियो फेक बताओ। ठीक है, तो हम तो वीडियो अपने मतलब अपने देखते हुए अपने हिसाब से जिस तरह मैं एडिट करता हूँ उस तरीके से तो मैंने अच्छा बताया है। बस दिक्कत यहाँ पे क्या पड़ रहा है ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, और जिनको कुछ भी पता नहीं होगा कि मतलब फ़ोटो एडिट कैसे होता है तो उनको तो पूरा समझ में नहीं आएगा। एंड आप लोग अगर नए होंगे तो जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कि वो वीडियो मैंने कैसे बनाया था। ठीक है, तो उसी फ़ोटो को मैं दोबारा आज बताने वाला हूँ कि देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो है, मैंने इसी फ़ोटो को एडिट करके दिखाया था तो सारे लोग ने बताया कि ये फेक बना रहे हो, ऐसा फोटो एडिट नहीं होता है। तो सेम इसी फोटो को आज मैं दोबारा एडिट करके सेम फिर इसी तरह आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी फोटो को मैं दोबारा एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि वाला फोटो मैं कैसे एडिट किया था, सेम टू सेम एकदम आसान, एकदम कम समय में आप लोगों को वो ट्रिक मैं बताऊंगा। इतना आसान कदान करके बताने की कोशिश किया हूं ना कि आप लोग 100% वैसा फोटो एडिट कर सकते हैं, वो भी कैसे। मेरा वीडियो 4-5 मिनट का होगा, उसको फुल चेकआउट मतलब फुल देखिए और सेम मेरे जैसा फोटो एडिट करना सीख जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक। ठीक है, सेम मैं एडिट करके सेम ऐसा दिखाया था तो आप लोगों ने बोला था कि ये गलत है। ठीक है, तो ठीक है आप लोग बड़े भाई एंड भगवान है, आप लोग को मैं गलत क्यों बताऊंगा, बस यही है कि आप लोग को समझ में नहीं आया, मेरा न्यू ट्रिक था इसलिए समझ में नहीं आया। आज इनको देखना होगा वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते ये वाला फोटो है। ठीक है, तो इस फोटो को कुछ करना नहीं है, सिंपली का जी यहाँ से देख सकते इतना आसान बताने की कोशिश किया हूँ ना, कम से कम समय में बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शेयर करें ना फटाक से आप लोग कहाँ लाइट रूम में। ठीक है ना गाइज, यहाँ से लाइट रूम में शेयर कर लेना अपने फोटो को, यहाँ से देख सकते हैं किधर गया लाइट रूम, यहाँ से लाइट रूम में शेयर कर ले रहे हैं, ऐड टू लाइट रूम, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो लाइट रूम में ऐड हो रहा है सिंपली गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ करना नहीं, कुछ स्टेप फॉलो करना है, मेरे से फोटो एडिट करना सीख जाना। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक, तो यहाँ से मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लाइट रूम में मेरा फोटो ओपन हो गया। ठीक है, तो सिंपली आप लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरा यहाँ पे क्या करना है ना, आप लोग को प्रीसेट दे दूंगा, एक प्रीसेट को यहाँ से ये क्लिक में कॉपी पेस्ट कर लेना है, उस वाले में मैंने अलग से कॉपी पेस्ट करके रखा था, इस वजह से आप लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे, है ना। यहाँ से कॉपी सेटिंग करने के बाद फिर से यहाँ से डन कर लेंगे सिंपली गाइज, बैक आ जाएंगे गैलरी को चूज करके जो भी आपका फोटो होगा चूज कर लेंगे सिंपली गाइज। ठीक है, और फिर से यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देंगे, तो एक क्लिक में आपका हो जाएगा फोटो सेम। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप लोग फोटो में क्लैरिटी रहना चाहिए तभी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शेयर कर लेना है फटाक से आप लोग को स्केच बुक में, तो यहाँ से शेयर पर क्लिक करके यहाँ से फटाक से स्केच बुक में शेयर कर लेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे। यहाँ से फटाफट से मैं अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, तो यहाँ से देख सकते हैं स्केच बुक में शेयर हो रहा है, तो सिंपली गाइस देख सकते हैं स्केच बुक में यहाँ पे फाइनली ऐड हो चुका है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार ब्रश बताऊँगा एकदम अच्छे से, तो यहाँ पे क्या करना है ना, क्लिक कर लेना है ब्रश वाला आइकन पे और आपको ये वाला ब्रश चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली ब्रश जो यूज करता है सब कोई, मैं इसलिए नॉर्मली बता रहा हूँ कि आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल ब्रश से बता रहा हूँ, आप लोग देखिए कितना तगड़ा स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल ब्रश पर क्लिक करके यहाँ सेटिंग में क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या फॉलो को रख लेना है 9। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ को 12 रख लेना है। ठीक है ना गाइस, और स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपको अगर नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ से जूम कर लेना फोटो को, एंड देन जूम करके यहाँ से ब्रश के साइज को भी जूम करके, और यहाँ से देख सकते हैं हल्के हाथों से घुमाना है गोल गोल सा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, और यहाँ पे इतना आसान बताया हूँ ना कि आप लोग को समझ में आएगा तो आएगा। ठीक है, यहाँ पर बस देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे गाल पे चलाने के लिए यहाँ से गोल गोल घुमाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे दिए हुए प्रीसेट पे क्लिक करके केवल आके फटाक से यहाँ स्मूथ कर लेना है, सेम फोटो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है ना गाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। ठीक है ना गाई, तो देख सकते हैं कितना बवाल तरीके से स्मूथ हो चुका है, एंड यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ इधर भी देख सकते हैं कितना कम समय यहाँ पे फटाफट से आपके सामने आपका भाई कर रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम इतना आसान। यहाँ हेयर भी एडिट करके दिखाएंगे, आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा एंड स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलेंगे कि ये भी वीडियो फेक है, तो आप लोग ऐसा ना कीजिए ना, अपने भाई की वीडियो को एक बार फुल देखिए फिर बताइए कि ये फेक है। ठीक है, तब हम मानेंगे कि हाँ वीडियो फेक बताते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आपका भाई स्मूथ करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाक बचा है ना, नाक को फटाफट से भी स्मूथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली गाइस देख सकते हैं लगभग स्मूथ हो चुका है। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेंगे, ब्रश के साइज़ को छोटा करके यहाँ से, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से देख सकते कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे फटाफट से, टाइम थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएंगे, लास्ट में PNG वगैरह कैसे ऐड करते हैं सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा।
तो यहाँ पे देख सकते कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइज। मतलब यहाँ पे स्किन पे हाई लेवल का स्मूथ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आप लोगों को, जो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड देन आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ, पीछे वाला वीडियो में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लगभग लगभग स्मूथ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तरीके से बता रहा हूँ जैसे आदित्य भाई बता मतलब एडिट करते हैं, आपका भाई एकदम सेम बताएगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आई पे भी यहाँ से स्मूथ हो चुका है, लगभग स्मूथ हो ही गया है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिप कलर कर ले के नहीं, आप लोग यहाँ से क्या करना है, लेयर पे क्लिक करके लेयर बनाना है, ठीक है। सिंपली गाइस लेयर पे क्लिक करके नॉर्मल पे सॉफ्ट लाइट कर लेना है, ठीक। सब हर किसी को आता है। एंड ब्रश को, इस वाले ब्रश को चूज कर लेना सिंपली गाइस, और डन कर लेना है। और यहाँ से कलर यहाँ पे मैं पिंक रखता हूँ, तो आप लोग को पिंक रख लेना है, ठीक है। एंड पिंक रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने लिप पे चला देंगे तो आपका लिप भी कलर हो जाएगा। और यहाँ से मैं यहाँ पे चारों तरफ चलाया था, यहाँ पे टीथ वगैरह पर भी चला दिया था, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका फोटो नज़र आएगा, ठीक है ना। एंड इतना होने के बाद यहाँ से सिंपली गाइस फटाक से शेयर कर लेना आप लोग को पिकसार्ट में, यहाँ शेयर पे सेव के क्लिक करके यहाँ से अदर पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ से अदर पे क्लिक करके इतना कम समय में आपको कोई नहीं बताया हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पिकसार्ट में शेयर कर लीजिएगा सिंपली गाइस, ठीक है ना। एंड देन पिकसार्ट शेयर होने के बाद आप लोग सिंपली गाइस क्या करना है ना, यहाँ से आप लोग एक दो PNG दे दूंगा, उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से गैलरी पर क्लिक करके यहाँ PNG ऐड कर लीजिएगा आप लोग भी। तो गाइस देख सकते हैं 2 PNG हमने ऐड किया था इस फोटो में। तो सिंपली गाइस किसी एक फोटो को पकड़ के रखिएगा और इस पर ब्लेंड पे क्लिक करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जहाँ आपको इच्छा हुआ वहाँ पे रख लीजिएगा। एंड यहाँ से ऑपसिटी को हल्का सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कम करने के बाद ये जो कान में का है ना इसको भी पकड़ के रखिएगा। एंड यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक करके सिंपली गाइस स्क्रीन कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग रख लेंगे, फट जूम करके एक बार देखेंगे और एंड देन ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ से क्या करेंगे ना, इरेज पे क्लिक करके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको इरेज कर देंगे, ठीक है ना गाइस। इस तरीके से इरेज कर देंगे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को, और जो इधर से ज़्यादा ही इरेज हो गया हो तो कुछ इस तरीके से इसको भी इरेज को सिंपली गाइस यहाँ से डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद यहाँ से एक जगह और आपको एक फोटो को शेयर करना है, तो यहाँ से सेव कर लेना है सिंपली गाइस गैलरी में। सेव होने के बाद सिंपली गाइस गैलरी ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड गैलरी में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फोटो ऐड हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग शेयर पे क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग टूल वीज को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एंड टूल वीज में शेयर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों इफेक्ट पे क्लिक करके एड सॉफ्ट सोमोंग यहाँ 3 नंबर का यहाँ से स्मूथ ले लेंगे, ठीक है। एंड मासिंग पे क्लिक करके एंड देन यहाँ से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से हेयर पे एंड अपने दाढ़ी ओढ़ी पे चला लेंगे, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे हेयर वगैरह होगा उस पर चला लेंगे तो आपका ऑयल पेंट भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा दूसरा ट्रिक है, ठीक है। 3-4 तरीके से मैं एडिट करता हूँ, तो मैं 3-4 तरीके से बताया था आप लोगों को एंड आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो यही रहा मेरा राज इस फोटो का। देख सकते हैं एकदम आप लोगों के सामने मैं एक एक स्टेप में बताया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका भाई एकदम रियल तरीके से बता चुका है, ठीक है। देन ऐसे ऐसे वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।